देखिए, आंसर देना है ना, सभी का आना चाहिए, भूले तो नहीं ना? ठीक है, एक्स के वैल्यूज बताइए इसको। एक्स के वैल्यूज क्या आएगा? क्या है बोलो ना, क्या फाइनल हुआ? एक और एक तो टू आएगा, दो और माइनस का एक बाई तीन, भूल गए? दो और माइनस, आ जाओ आ जाओ, बड़े दिनों बाद आए हो आप। बस चलिए देखिए क्या है कहानी। सॉरी, किस किस का है टू और माइनस वन बाई थ्री बोलिए। देखो ये तीन लोग का आंसर आया, किसी का नहीं आया बाकी का टू और माइनस वन बाई थ्री। कल तो ला रहे थे आंसर आप लोग, एक दिन में भूल जाओगे तो मतलब समझ जाओ, नहीं समझो तो मत समझो, मेरा क्या जा रहा है। चलिए तीन, थ्री टू सा सिक्स, सिक्स के ऐसे दो फैक्टर करना है जिनका सम या डिफरेंस, अंतर, जिनका डिफरेंस, जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? फाइव। सिक्स के ऐसे दो फैक्टर करिए, ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका अंतर क्या आना चाहिए? पांच। सिक्स वन सा सिक्स, छह कम छह, है ना? तो एक सिक्स बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? छह के ऐसे दो फैक्टर याद है कि नहीं? याद है, याद है, आंसर तो लाए नहीं था आप लोग, बोल रहे याद। सिक्स वन सा सिक्स, सिक्स और वन का डिफरेंस है पांच, पांच कैसे आ रहा है? छह में से एक माइनस करने पर, यानी कि प्लस का सिक्स और माइनस का वन, क्लियर? तो एक्स का वैल्यू एक तो बनेगा प्लस का सिक्स और एक बनेगा माइनस का वन। क्या करें, साइन चेंज करें या नहीं? साइन बदले या नहीं? क्यों नहीं बदले? माइनस में नहीं बदलते, वेरी गुड, माइनस में साइन नहीं बदलते। अपॉन में कुछ आएगा या नहीं? क्या आएगा? थ्री। एक्स स्क्वायर के इनटू वाला अपॉन में आता है, तो एक्स बराबर कितना आएगा? दो, और x बराबर आएगा माइनस का वन बाय, तो x के दो वैल्यूज आएंगे एक टू और माइनस का वन बाई थ्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या माइनस तीन, तो माइनस तीन माइनस दो से पांच नहीं बनेगा ना, अंतर पांच चाहिए ना, योग थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता है। सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? पांच लाना है, क्या लाना है? पांच। पांच कैसे लाना होता है? हमारी इच्छा से नहीं, पांच तो तीन प्लस दो भी आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। पांच कैसे लाना है? किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस पांच लाना है। कैसे दो नंबर होने चाहिए जिनका अंतर पांच आए? आप तीन और दो ले रहे हो, तीन और दो का तो योग पांच है, अंतर थोड़े ना पांच। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? पांच। आई बात समझ में? ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? पांच। तभी तो इसका यूज है ना, माइनस का मतलब क्या आना चाहिए? अंतर पांच आना चाहिए। कल आए थे आप? कल आए थे कि नहीं आए थे? सच बताओ आए थे? तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है फिर, यदि कल आप आए थे तो।
वैसा नहीं हो सकता है, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक, चल बढ़िया। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सभी का आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं लाया ना आंसर तो नौकरी जो है आपकी। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 4 बराबर 0। कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं पूछूं तभी बताना है ना, मैं जब पूछूंगा तभी आंसर बताना, अदरवाइज आंसर नहीं देना अभी आपको। कोई बोलेगा नहीं, अच्छा मैंने सोचा आंसर नहीं बोल रहे, मैंने मना किया है बोलने से, इसलिए सोचा आया नहीं। चलो क्या आया बताओ, क्या आया? माइनस 4 और 1/5 का 1/5 या प्लस का 1/5? माइनस का 1/5। और दूसरा दोनों माइनस माइनस में, दोनों माइनस में तो नहीं आ सकते यार, एक प्लस और एक माइनस में आएगा, गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग? कौन कॉन्फिडेंट है कि क्या आंसर आया? क्या है आंसर बताओ? माइनस 4 और 1/5 प्लस में, 1/5 प्लस में और माइनस का 4। किस किस का है ऐसा? बाकी लोग दोनों माइनस माइनस में, पता नहीं शायद मैं गलत पूछूं, इससे थोड़े ना चलेगा एग्जाम में, पता नहीं शायद। 5 × 20 20 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना है, जिनका डिफरेंस 21। डिफरेंस 21 आए, इज इट पॉसिबल? जोड़ने पर, अरे यार सवाल गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं कहानी क्या है, सुनिए। उत्तर तो हर एक सवाल का आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको उन सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं जिनमें हम इस मेथड से उत्तर ला सके। वो सवाल में शायद मैंने प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक मिनट रुकिए, इसको प्लस 4 कर लो आप, अब आ जाएगा। क्या ले आए? योग ले आए। ऐसा नहीं है वो जो क्वेश्चन था आंसर उसके भी आएंगे, है ना, उसको भी कर लेंगे हम, ठीक है, लेकिन पहले ऐसे वाले करें आप। योग कितना लाना है? 21, तो 20 से कम 20, 21 सा क्लियर, ठीक है। तो x का वैल्यू एक तो 20 आया और एक x का वैल्यू क्या आया? 1। ये 20 प्लस 1 21 होगा ना, तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव, सीधी सी बात है ना। अच्छा साइन चेंज होंगे? यस बिल्कुल होंगे, प्लस है तो साइन चेंज होंगे। ये माइनस का 20 आएगा और ये आएगा माइनस का, क्लियर। अपॉन में कुछ आएगा? आएगा ना 5, तो 5 × 4 = 20, तो x का वैल्यू क्या है? एक तो माइनस 4 और दूसरा क्या है? माइनस का 1/5, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट ले रहा हूं, इसका निकालेंगे इसके बाद, है ना। माइनस 3/2 प्लस 1/2
कितना? 2/3 और दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा है? छोटा वाला नंबर बता दो ना यार, 1/2 प्लस का, 1/2 माइनस का है, प्लस का है, प्लस का 1/2, और दूसरा माइनस का 2/3, प्लस का 1/2 माइनस का 2/3, किस किस का है आंसर? ओके ठीक है, चल देखो, 6 × 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस या जोड़ोगे अंतर, जिनका डिफरेंस क्या है 1, कुछ नहीं है ना, इनटू में यानी कि क्या है 1, 0 मत ले लेना, 1 × x 1 है वो, है ना, डिफरेंस 1 है, तो बताइए 4 × 3 = 12 करोगे, 4 और 3 का आ रहा ना डिफरेंस 1, यानी कि 4 में से 3 माइनस कर रहे हो, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, तो x का वैल्यू एक तो आया प्लस का 4 और दूसरा आया माइनस का 3, एक x का वैल्यू आया प्लस 4 और दूसरा x का वैल्यू आया माइनस का 3, है ना, साइन चेंज करूं या नहीं? करना पड़ेगा, क्यों? प्लस का साइन है, साइन चेंज होगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 3, अपॉन में कुछ आएगा 6 आएगा, दोनों के अपॉन में क्या आएगा 6, तो -4/6 क्या हो जाएगा -2/3 और 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू -2/3 और प्लस का 1/2, काट लेंगे ना 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -2/3 और प्लस का 1/2, मतलब सीख गए निकालना, मिटा दो क्या इसको, इधर वाले को मिटा देता हूं। अब हमें दोनों तरीके आने चाहिए निकालने के, एक तो ये वाला और दूसरा, मान लो ये वाला वर्क नहीं करे, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं 99% केस में ये वाला काम हमारा वर्क करेगा, बाकी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका रूट रूट में आता है, जैसे मान लो 1+√3, यदि ऐसा x का वैल्यूज आएगा तो फिर ऐसे वाले x के वैल्यूज इस मेथड से निकालना टफ पड़ जाएगा, है ना, ऐसे वाले वैल्यूज को हम किससे निकालेंगे, श्री धाराचार्य जी वाली मेथड से, देखिए क्या है कहानी, जैसे आपके सामने आया ax² + bx + c = 0, तो x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac / 2, यहां से दो रूट निकलेंगे, एक बार प्लस का यूज और एक बार, फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है, यहीं से बनता है ये फॉर्मूला, यदि आप जानना चाहते कैसे बनेगा तो वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, x = -b + -√b² - 4ac / 2, लिख कर दीवार पे लगा दो, बस इतने से भी फॉर्मूला सरल और याद होने लग जाता है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां से दो रिजल्ट निकलेंगे, एक बार प्लस का साइन लोगे तो x का एक वैल्यू आएगा, माइनस का साइन लोगे तो x का दूसरा वैल्यू आएगा, क्लियर। अब जैसे इसी सवाल को लेते हैं, इस सवाल को आपने एक तो डायरेक्ट कर लिया, अब यही x के दो मान हम इस मेथड से निकालने जा रहे हैं, चलिए निकालते हैं इस मेथड से, है ना, देखिए ऐसा ही अनुशासन बनाए रखें, चल देखो 6x² + x - 2 = 0, जैसे ही समीकरण आया सबके सबसे पहले उसको इससे तोलेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो इसको ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे a की जगह किसने ली हुई है 6, तो a का वैल्यू कितना आया 6, b की जगह किसने ली है 1 ने, कुछ भी नहीं है मतलब, और c की जगह किसने ली है -2 ने, c की जगह -2 रखोगे तभी तो वैसा पिक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा,
क्या सी की जगह प्लस टू रखने से वैसा बन पाएगा क्या? नहीं। तो सी की जगह माइनस टू रखोगे तभी वैसा बनेगा, यानी कि सी का वैल्यू, इसको देखकर सी का वैल्यू किसने लिया हुआ है? माइनस टू। लगा दे फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। चलिए माइनस बी, तो बी का मान कितना है? वन। रख दे एबीसी का वैल्यू इसमें। प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए यानी कि सिक्स और सी यानी कि माइनस टू। क्लियर इतनी बात है ना? तो सी यानी कि माइनस टू है ना, अपॉन में क्या आएगा? टू ए। तो ए की वैल्यू क्या है? सिक्स। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो b का वैल्यू 1 रख दिया, b का वैल्यू 1 रख दिया, a का वैल्यू 6 रख दिया, c का वैल्यू माइनस 2। क्लियर है क्या इतनी बात? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए माइनस 1 प्लस माइनस, ये काम से आप भाग नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्या? और 4 छक 24, 24 दूनी 48, 4 6 24, 24 into 2 48, 1 plus 48 अपॉन में दो छंग 12, ये 49 बनेगा, और 49 सात बन के बाहर आ जाएगा, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 7 बाय 12। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे? माइनस का साइन, है ना। तो एक बार हम प्लस का साइन लेते हैं और एक बार हम साइन लेंगे माइनस का। यदि हम प्लस का साइन लेते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? माइनस 1 प्लस 7 बाय 12। तो बताइए 6/12 हो जाएगा, 1/2 आ गया x का वैल्यू, 1/2 देखो आया था ना, 1/2 प्लस का आया था, देखो माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6 होगा कि नहीं होगा? माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6 होगा कि नहीं होगा? 6/12 कितना आएगा? 1/2। एक बार माइनस का साइन लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 बाय 12। तो बताइए माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 आएगा, माइनस 8/12 माइनस का 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? 4 × 2 = 8, तो आ गए ना दोनों 1/2 और माइनस का 2/3। तो अब हमने एक्सप्लोर क्या किया अपने ज्ञान में, अपने नॉलेज में, कि जो सवाल आप वैसे कर रहे थे वो हर एक सवाल आपका इससे भी आ सकता है, आई बात समझ में? लेकिन इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आपका काम उसी से हो जाना है। लेकिन कभी ऐसे अंतर या योग ना बने तो फिर आप किसका यूज कर सकते हैं? इसका। ये प्लस साइन लेने पर है और ये माइनस साइन लेने पर है ना। कॉपी करिए इसको जल्दी से। किसमें? मेंस में जो सॉल्व कर रहे हैं। कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? एमपीपीएससी मेंस। एमपीपीएससी मेंस में जो है आप लोग करते रहिए अपना, मैं इसलिए बता देता हूं। एमपीपीएससी मेंस में जो है 6 से 7 टॉपिक आते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स आता है, सांख्यिकी है और एक बेसिक नंबर आता है। सांख्यिकी में आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता के अलावा आएगा आपका मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक कहते हैं उसको, है ना। उसके अलावा वेरियंस आएगा, वेरियंस मतलब विचरणशीलता, ये आता है। और एक और आएगा सैंपलिंग यानी कि प्रादर्श के प्रकार, ये स्टैटिस्टिक्स, ये एमपीपीएससी मेंस का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट एमपीपीएससी मेंस का है, 4-5 टॉपिक आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, रेशियो, अनुपात, परसेंटेज है ना, और इसके अलावा थोड़ा सा नंबर सिस्टम का पार्ट। ये सिलेबस है आपका केवल, ये आपके एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में नहीं है, है ना। यदि आपको सिर्फ एमपीपीएससी मेंस का मैथ्स पढ़ना है तो ये क्लास काम की नहीं है। मींस कवर नहीं, नहीं, अब कवर करने की बात है। मैंने क्या बोला? सिर्फ एमपीपीएससी मेंस पढ़ना है। ये क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग सुन लेना। एमपीपीएससी मेंस यदि आपको पढ़ना हो तो ध्यान ले लें, नोट्स भी चाहिए हो तो बता देना, एमपीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल नोट्स मैंने बनाए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? सुनिए, नोट्स भी और इवन वीडियोस भी है ना। हाँ, कौन सा वीडियो आपने देखा? आकार में ना। हाँ, तो आकार में मैं ही पढ़ा रहा हूँ एमपीपीएससी मेंस का मेंस,
ठीक है, तो वहां पर मैंने वीडियो बनाया है, एक वीडियो बनाया है मिन मीडियन मोड का, माध्य माध्यिक और बहुलक, माध्य माध्यिक और बहुलक, ठीक है। यदि आप इस क्लास में बैठते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए, इस क्लास में यदि आप बैठते हैं तो ये है व्यापम का बैच, आपके जो टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, जितना आपको आएगा उसकी तुलना में और हाई लेवल का कवर होगा, स्टैटिस्टिक्स छोड़कर, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कवर नहीं होगा आपका। क्या बोल रहे हो? सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी, आधा ख य छोटी की मात्रा और ग पे बड़ी की, और स पे आ की मात्रा और ऊपर बिंदु, सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब, सांख्यिकी ऐसी चीज है कि एवरेज, एवरेज टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस एवरेज ही सांख्यिकी है, एक हाई लेवल का औसत निकालना सांख्यिकी, अनुमान लगाना, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। आप उससे क्लास के बाद मिल लेना तो मैं आपको समझा दूंगा सही बात। हाँ, ये आ गया क्या? ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया क्या? ठीक है, चलिए एक दूसरा इक्वेशन देता हूं, फटाफट निकाल के बताना इससे, है ना? वेरी गुड एट इंग्लिश। हाँ, देखिए क्या है कहानी, सुनिए। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस प्लस फोर बराबर जीरो। Your time starts now. Solve it fast. क्या है? इससे आ गया क्या? ऐसे ही निकाल दिया तो ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए ना, ऐसे कैसे निकल गया? ऐसे चेंज करो इसको, अब करो। अभी निकालिए x क्या वैल्यूज। सभी का आंसर आना चाहिए, रूट में आएगा तो रूट में एक बार प्लस वाला अलग लिख लेना, माइनस वाला अलग, जैसा दिखेगा रूट में बस वैसा ही होगा वो, है ना? रूट से बाहर नहीं आएगा वो शायद। हाँ, दो तो निकलेंगे ना, सही बोल रहे हैं। हाँ, हुआ क्या ये? क्या क्या बना? माइनस माइनस फाइव माइनस होल अपॉन में टू, और एक माइनस फाइव प्लस रूट थर्टीन आ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी है ना। चलिए अभी देखिए जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना? ए की जगह क्या आएगा? वन। बी की जगह क्या आएगा? पांच। और सी की जगह क्या आएगा? तीन। क्लियर इतनी बात, है ना? ए वन और बी फाइव और सी क्या आएगा? क्लियर। चलिए, सो पुट अप द फॉर्मूला, इधर ही रख देता हूं, देखो
माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है, इधर का मत कॉपी कर लेना उधर का, बी क्या है 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है अपॉन में 2a, क्लियर, a कितना है 1। चलिए x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 12 रूट 13 आएगा क्या ये अपॉन में 2, तो एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, क्या था माइनस 5 प्लस रूट 13 बाई 2 एक ही रूट आएगा x का, और दूसरा माइनस 5 माइनस रूट 13 बाई 2। सीख गए इस रास्ते से निकालना वैल्यू, क्लियर, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। तो ये हमने अभी तक क्या सीखा, द्विघाती समीकरण में x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, कैसे भी इक्वेशन का रूट हम निकाल लेंगे, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसमें पहले वो आप करके दिखा दीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन वाला पार्ट था उसी में टाइप थ्री पर आइए जल्दी से, टाइप थ्री, व्यापम प्रीवियस वाले पार्ट में टाइप थ्री, सवाल नंबर 2 नजर आ रहा है, गुणनखंड निकालना है, सवाल नंबर 2 करिए, 3 करिए, 6 करिए और 7 करिए, 2-3 व्यापम में आए हुए हैं याद रखें आप, 2-3-6 और 7 टाइप 3, 2, 3, 6 और 7 2, 3, 6 और 7 ये 4 सवाल। कितना आ रहा है आंसर, क्या है x-6। वाह बहुत बहुत बधाई इसका है, बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन, इसी प्रकार प्रदर्शन आगे बढ़ाते रहे और सवाल नंबर 3 का उत्तर दें इसी पंक्ति में, क्या आएगा ए, यस वेरी गुड ए, बहुत बढ़िया। हाँ तीसरे को है, बिल्कुल सही है। आप डेली आया करो, आप 3-4 दिन बीच में गायब हो गए थे। अच्छा ठीक है ठीक है। सेकंड का आंसर आया किस किस का आया, ठीक है, कई सारे तरीकों से देख सकते हैं आंसर को, है ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, है ना, मिटा दो इसको। चल देखो चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 व्यापम प्रीवियस वाला पार्ट है ना, शुरुआत से नहीं, जहां बीच में व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन है वहां का टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2। x²-3x-18 के गुणनखंड करना है, क्या करना है इसके फैक्टर, ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, x+9x-6x-2x-3 x+9 x-6 x-2 और x-3, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए कौन इसका गुणनखंड बनेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो काम करते वही करिए, 18 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है 3, क्लियर, तो क्या करेंगे 6 और 3
छह में से तीन माइनस कर रहे हो आप, तो एक्स का वैल्यू प्लस छह और माइनस का तीन। चलिए अब बताइए साइन चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा। अपॉन में कुछ आएगा या नहीं? नहीं आएगा। तो ये फाइनल है। सिक्स को उधर लीजिए तो x माइनस सिक्स बराबर जीरो, और तीन को उधर लीजिए तो x प्लस थ्री बराबर जीरो। तो क्या दो गुणनखंड निकल के आए? x माइनस सिक्स और x प्लस थ्री, ये दो गुणनखंड है इसके। तो बताइए दोनों में से कौन नजर आ रहा ऑप्शन में? x माइनस सिक्स। तो आंसर आएगा x माइनस सिक्स। मतलब जो तरीका आपने सीखा था उसी से गुणनखंड भी आ जाएंगे आप। क्या ही बात समझ रहे? तो गुणनखंड क्या आएगा, फैक्टर क्या आएगा? x माइनस सिक्स। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? तो फैक्टर आएगा x माइनस सिक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। एक तो ये तरीका जो आपने सीखा उसी से बिल्कुल बेसिक सा तरीका है ना। दूसरा तरीका आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सुनिए, x प्लस नाइन, x माइनस सिक्स, x माइनस टू और x माइनस थ्री, इन सबको किसके बराबर रखिए? जीरो। इन सबको, या फिर सीधी सी बातें सुनिए, जो भी इसका गुणनखंड होगा उससे यह भागित होगा। जो भी इसका गुणनखंड होगा उससे ये क्या होगा? डिविजिबल। आई बात समझ में? मतलब उससे भाग देने पर शेषफल जीरो आएगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल है कि 12 का गुणनखंड क्या है, चार ऑप्शन दे रहा हूं, सात, पांच, तीन, आठ। कौन गुणनखंड है 12 का? फैक्टर कौन है? तीन। क्योंकि तीन से भाग देने पर शेषफल जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो जिससे भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए वो आंसर हो जाए। सारे तरीके सीखना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना? ठीक है, जरूरी, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सुनिए, जिससे डिवाइड देने पर रिमाइंडर जीरो आएगा वो आंसर बनेगा। डिवाइड देने पर रिमाइंडर, दिस ऑल आर भाजक। बताओ सारे के सारे भाजक का रोल निभाएंगे जब भाग देने की बात करेंगे तो। और ये भाज्य का रोल निभाएगा, दिस इज भाज्य, डिविडेंड प्ले करेगा, डिविडेंड का रोल है ना। अब भाजक, इन चारों से भाग देकर शेषफल निकालना है। शेषफल कैसे निकालते हैं? भाजक को जीरो के बराबर रखते हैं और एक्स का वैल्यू वहां रख के देखते हैं, जिससे रिजल्ट जीरो आ जाएगा वो आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा शेषफल। तो एक्स माइनस सिक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा? छह। छह को रखिए यहां पर, छह का स्क्वायर छत्तीस, माइनस थ्री इंटू सिक्स माइनस एटीन, तो अठारह, अठारह छत्तीस, माइनस छत्तीस प्लस छत्तीस कट जाएगा, आ जाएगा रिमाइंडर जीरो। तो रिमाइंडर जीरो कौन देगा? केवल एक्स माइनस सिक्स। आता है क्या समझ में? अरे आता है कि नहीं आता? अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अब हमें लग रहा होगा कि सबको चेक करना पड़ेगा, तो सबको चेक करना पड़ेगा तो इतना नाटक करने की जरूरत थोड़ी ना। बराबर जीरो ऐसे सब ओरली भी हो जाएगा। एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स का मान दो, दो रख के देखिए, दो दूनी चार, प्लस का चार और माइनस का इतना बड़ा बड़ा, क्या ये बैलेंस होगा जीरो पे? नहीं होगा, अलग दिख रहा है। x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर तीन, यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? बराबर जीरो रखेंगे, x बराबर तीन आएगा, तीन रख के देखिए, तीन का वर्ग नौ, प्लस का नौ और ये माइनस का सत्ताईस बनेगा। नहीं होगा ना, ये भी बैलेंस जीरो पर। यहां से x का वैल्यू माइनस नौ, माइनस नौ जब आप रखेंगे तो इक्यासी हो जाएगा और ये माइनस सत्ताईस, इससे भी नहीं होगा। माइनस का नौ का वर्ग प्लस का इक्यासी आएगा, माइनस सत्ताईस, नौ दिया सत्ताईस, माइनस सत्ताईस माइनस अठारह माइनस पैतालीस, प्लस इक्यासी माइनस पैतालीस, नहीं आएगा जीरो। सिर्फ इसी जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए और वो भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। जल्दी कॉपी करिए इसको। इसके बाद कौन सा दिया था मैंने? तीसरा दिया था, थर्ड। क्या आंसर है थर्ड का? ए, ए आएगा, सी नहीं, ए। थर्ड का आंसर बनेगा ए।
हो गया ये, थर्ड के आंसर से आया क्या एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 40। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 40 इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 एंड x प्लस 8। अब ध्यान देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन बन जाना चाहिए। आप जानते हैं इसके दो ही गुणनखंड बनते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 40। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस का 40। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 आ रहा है क्या, ये बोलिए आ रहा है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 आ रहा है। तो इन दोनों ने मिलकर इक्वेशन वैसा का वैसा बना दिया या नहीं, बना दिया ना, क्योंकि इसी के दो गुणनखंड है ना ये। जैसे 6 में क्या होता है, आप लोग हंसे क्यों थे, रहस्यमय हंसी, 6 के दो गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। तो यदि 6 के दो गुणनखंड 2 और 3 है, तो उन दोनों का गुणा करके वापस 6 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वैसे यदि इन दोनों के गुणनखंड जो भी दोनों होंगे, उन दोनों का गुणा करके वापस ये बनना चाहिए नहीं। तो ये जो तरीके बता रहा हूं ये ऑप्शनल है, आपको वैसे ही करना है जो बेसिक तरीका आपने सीखा है, सबसे ज्यादा जल्दी उसी से आएगा, अलग अलग ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो बहुत रेयर केस में हम यूज करेंगे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो चलिए हम तो अपने तरीके से गुणनखंड निकालते हैं। 40 के ऐसे दो गुणनखंड करें जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस 3। बताइए जरा, 8 × 5 = 40 आएगा डिफरेंस 3, यानी कि प्लस का 8 और माइनस का 5। तो एक्स का वैल्यू एक तो आया प्लस का 8 और एक एक्स का वैल्यू आया माइनस का, सेकेंड्स में आएगा इससे आंसर। ठीक है, चलिए अब साइन अपोजिट करूं या नहीं, क्यों करूं, प्लस में चेंज होगा माइनस और प्लस, बटे में कुछ आएगा इनके नहीं, वन। तो चलिए एक्स इधर 8 इधर आएगा तो एक एक्स प्लस 8 बनेगा ये देखो, और ये इधर आएगा तो एक्स माइनस 5 बनेगा, आ जाएंगे दोनों सीधे, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 6, छठे पर आ जाते हैं, सिक्स्थ पर। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 12x² - 10x + 2 12x² - 10x + 2 12x² - 10x + 2 देखिए क्या क्या ऑप्शन है इसके, 3x + 1, 6x + 1, 6x - 2 और 3x - 4। 3x + 1, 6x + 1, 6x - 2, 3x - 4, क्या आएगा इसका, तो 3x - 1। देखिए ना, ये इसी का तो फॉर्म है, 3x - 1 ही तो 6x - 2 होगा। हाँ बताता हूं मैं आपको, देखिए देखिए है ना, सुनिए हम अपने तरीके से काम करें। 12 × 2 = 24 के दो गुणनखंड करें इस प्रकार से, है ना, कि उसका सम क्या होना चाहिए, सम योग, समेशन योग क्या होना चाहिए, योग उसका 10। क्लियर, तो 6 × 4 तो मेरे को पता है 6 × 4 = 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो x का वैल्यू एक तो आया प्लस 6 और एक आया प्लस का 4। क्लियर है ना, ठीक है। अब सुनिए, साइन चेंज करूं या नहीं,
नहीं करना है, ठीक है नहीं करते हैं। अब अपॉन में कुछ आएगा इन दोनों के, क्या आएगा? 12 आएगा, अपॉन में 12 रख देते हैं। तो ये 1/2 आया और ये 1/3, तो x का वैल्यू एक तो 1/2 आया और एक x का वैल्यू क्या बनेगा, 1/3। सबको जीरो के बराबर रखिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए चार ऑप्शन से। जीरो के बराबर रख के x का वैल्यू निकालिए चार ऑप्शन से। यहां से x का वैल्यू 1/3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सिर्फ इसी से एक रूट मिलेगा आपको और किसी से भी नहीं मिलेगा। 6x-2 को किसके बराबर रखेंगे? जीरो के बराबर। 6x-2 = 0, 6x = 2, x = 2/6 यानी कि 1/3। तो आपका जो रूट है ओरिजिनल वाला, वैसा रूट कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सो आंसर इज 6x-2, क्लियर? और कोई भी नहीं देगा। यहां से x का मान 4/3 आएगा, नहीं है ना 4/3। यहां से x का मान -1/6 आएगा, नहीं है ना -1/6। यहां से x का मान -1/3 आएगा, नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? 6x-2। यदि इस प्रकार के सवाल में कभी इस प्रकार की दिक्कत आए तो x का वैल्यू निकाल कर देख लो। हर एक सवाल को भी आप ऐसे चेक कर सकते थे, है ना? x का वैल्यू एक तो आप निकाल ले, दो आप दो x के वैल्यू निकाल ले, और ऑप्शन से जो x के वैल्यू आ रहे हैं जिससे मैच हो जाए आपका, सीधी सी बात है वो गुणनखंड बनेगा, है ना? या फिर आप अपने रास्ते से जाना चाहें तो इसको इधर लाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी जा पाएंगे। ये वाला मिटा देता हूं इधर का, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्स बराबर 1/2 आया और एक्स बराबर क्या आया? 1/3। तो एक्स माइनस 1/2 बराबर 0 आ जाएगा और एक्स माइनस 1/3 बराबर क्या जाएगा? 0। अच्छा, दो का गुणा कर ले इधर, तो 2x-1 बराबर 0 आएगा। ये 2 इधर जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, 2x-1/2। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 उधर 0 के साथ जाएगा, तो एक गुणनखंड क्या बना? 2x-1। ये 3 इधर आएगा, 3x-1 बराबर 0, ये बटा 3 उधर चला जाएगा, तो एक गुणनखंड क्या बना? 3x-1। अच्छा, दोनों और (2:2) कर सकते हैं, ऐसा होता है मैथ्स में, दोनों और आप LHS RHS में जो चाहे वो गुणा कर सकते हैं। तो 2:0 तो क्या हो जाएगा? 0। तो 6x-2 भी गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? तो 6x-2 क्या हो जाएगा इसका? वेक्टर। ऐसे करेंगे, है ना? आया समझ में? डरना नहीं है इससे कि इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा, इस वजह से दिमाग को खराब नहीं होने देना, है ना? डोंट लेट योर सेल्फ डाउन। चलो वो अगला वाला करके दिखाओ तो सबसे अच्छा है, व्यापम में आए हुए, ध्यान रखना, भाग नहीं सकते आप। आ जाइए 7th पर, क्वेश्चन नंबर 7। x²-√2x-24 के गुणनखंडों में से एक है, इसको मिटा दो क्या? फिर कभी अब मिटा दो। मिटा दो इसको। अरे बोलते क्यों नहीं? x²-√2x-24 है ना, x²-√2x-24, क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। चलो भैया निकालते हैं फैक्टर, क्या क्या ऑप्शन है? x-√2, दूसरा x+√2, x+2√2, x+√2, x+√2, x+2√2 और x प्लस क्या आएगा? निकाला क्या इसका आंसर क्या आया?
एक्स प्लस थ्री रूट टू आएगा। अच्छा देखते हैं, एक्स प्लस थ्री रूट टू आएगा। अरे नोट से कॉन्स्टेबल का पेपर है एक पेपर एक करोड़ कल ले आना सब। हेलो, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई, जरूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टेबल में पेपर आए वही वाला हो, दूसरा भी हो सकता है। चलो देखो, तो इस वजह से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 करोड़ की जगह 99 लाख में भी आपका काम हो जाएगा। चलो इधर देखो, अभी क्या है कहानी, इधर देखिए आप। हाँ, x माइनस रूट टू, x प्लस थ्री रूट टू, x प्लस टू रूट टू, क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, दिख ही रहा है। किस किस ने किया इसको ये बताइए जरा, मेथड ऑप्शन से बराबर जीरो रख के सेटिस्फाई करवा लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रास्ता निकालना आना चाहिए किसी भी चीज का, बराबर जीरो रखेंगे और सेटिस्फाई करवा लेंगे, एक तो उससे हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूं, 24 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनका अंतर क्या है, रूट, जिसका अंतर क्या है रूट। आई बात समझ में, ठीक है। तो 4√2 और 3√2, 4√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो 1√2 आएगा कि नहीं आएगा, 4√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो 1√2 आएगा डिफरेंस, तो प्लस का 4√2 और माइनस का मल्टीप्लाई कर ले 24 आ जाएगा, 4 3 12 और √2 √2 तो 12 2 24 आ रहा है ना, 24 हाँ, तो हो गया हो गया। तो x बराबर प्लस का 4√2 और x बराबर माइनस का 3√2, प्लस का 4√2 और माइनस का, साइन चेंज करो या नहीं, नहीं करें, अपॉन में कुछ आएगा दोनों के नहीं, तो एक तो बनेगा गुणनखंड x माइनस 4√2 और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा, x प्लस 3√2। बताइए जरा कौन सा दिया है, x प्लस 3√2 दिया है ये वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। कॉपी करिए इसको, फिर आगे बात करें। देखिए अब सवाल उठता है कि सर ऐसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो मैं आपको सिखाता हूं, देखिए रूट में कैसे ब्रेक करते हैं ना, ध्यान देना है। अब सुनिए, डिफरेंस रूट टू लाना है तो क्या करेंगे,
अच्छा इतना तो कंफर्म है कि जो दो गुणनखंड होंगे दोनों के अंदर रूट टू तो आएगा ही आएगा। कुछ पांच बार रूट टू, चार बार रूट टू, तभी तो अंतर एक बार रूट टू आएगा ना। यदि एक बार रूट टू अंतर लाना है तो कुछ बार रूट टू यहां होना चाहिए, कुछ बार यहां होना चाहिए, और जितनी बार रूट टू यहां है, जितनी बार रूट टू यहां है, उन दोनों का अंतर एक बार रूट टू होना चाहिए। इतना समझ में आता ना। यदि दो का डिफरेंस रूट टू लाना है तो कुछ टाइम्स रूट टू यहां होना चाहिए, तीन बार, चार बार रूट टू, पांच बार, छह बार रूट टू, और कुछ टाइम्स रूट टू यहां होना चाहिए, कंफर्म है। यानी कि रूट टू तो आएगा। अब ये नहीं पता कि रूट टू के साथ यहां क्या नंबर आएगा, यहां क्या नंबर आएगा, लेकिन ये तो जरूर पता है कि जो भी नंबर रूट टू के साथ आएंगे उन दोनों का अंतर एक होना चाहिए, क्योंकि अंतर में एक बार रूट टू चाहिए ना। तो जो भी संख्याएं यहां रूट टू के साथ आएंगी, यहां आएंगी, उन दोनों संख्याओं का अपनी जगह एक रुपए का अंतर होना चाहिए, तभी तो। जैसे चार बार रूट टू तो तीन बार रूट टू, तभी तो चार और तीन का अंतर एक बार रूट टू आएगा। यदि छह बार रूट टू तो पांच बार रूट टू, तभी तो छह और पांच का अंतर एक रुपया आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बार? ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है, जो भी दो नंबर आएंगे उनका अंतर क्या होना चाहिए, एक रुपया। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। अच्छा, 24 में से दो रुपए तो गए, 12 बचे। अरे रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? टू। यानी कि 24 में से रूट टू इंटू रूट टू, यानी कि 24 में से दो तो गया, 24 में से दो तो गया तो क्या बचा? 24 में से यदि एक गुणनखंड दो को साइड में कर दिया तो दो से 12 बार में 24 आएगा, तो 24 में से दो रुपए तो बांट दिया आपने, अब 12 रुपया और बचा। अब जो भी बटेगा 12 ही बटेगा गुणा में, तो 12 में कैसे तोड़ोगे? 12 को चार तिया में तोड़ोगे, तभी तो अंतर एक आएगा ना। पहले आप ये समझो, दिस ऑल आर इन गुणा, ये सब के सब गुणा में। आई बात समझ में? ये पूरा गुणनफल का रिजल्ट क्या आना चाहिए? 24। तो 24 में से रूट टू इंटू रूट टू, यानी कि दो रुपया आपने 24 में साइड में कर दिया, 24 में से दो गया तो 12 बचा ना गुणा में, तो 12 को आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है, और 12 को ऐसे तोड़ना है कि अंतर क्या आना चाहिए? एक। तो चार तिया में ही तोड़ेंगे, और कोई 12 के दो गुणनखंड होंगे जिनमें अंतर एक आए? नहीं ना। 6 × 12, 6 बार रूट टू, दो बार रूट टू करोगे तो अंतर में 4 बार रूट टू आएगा, तो 12 को कैसे तोड़ेंगे? 4 और 3। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, घर में जाके बैठना एक बार इसके ऊपर, बिल्कुल आएगा। 4 बार रूट टू में से 3 बार रूट टू माइनस करेंगे, आएगा 1 रूट टू, तो आ गया ना प्लस का 4 रूट टू और माइनस का 3 रूट टू। अब उधर लाना है, गुणनखंड बन जाएगा आपका। इसके बाद जो है, या फिर दूसरा तरीका ऑप्शन से चेक कर ले आप, उससे भी हो जाएगा, या फिर ये नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका श्री धाराचार्य जी से सहयोग मांग लें थोड़ा। श्री धाराचार्य जी से नहीं आया? अरे यार, श्री धाराचार्य जी को आप मना नहीं पाए, सुनिए। अच्छा, मतलब धाराचार्य जी से निवेदन आप कर चुके हैं लेकिन आपका काम नहीं बना। देखिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 24, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस रूट टू, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 24। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस का रूट टू, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 24। क्या फॉर्मूला है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्लियर? चलो रेडी। चलो बी का मान क्या रख दे, माइनस रूट टू। बी का मान माइनस रूट टू, माइनस बाहर है अपनी जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है वो आगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि माइनस रूट टू का स्क्वायर, माइनस 4ac। तो बताइए ए क्या है, 1, और सी क्या है, माइनस का 24, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a कर ले, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी इतने में, तो क्या कि गाड़ी अटक गई होगी, अपॉन 2a, तो a कितना है, 1। चलो माइनस माइनस ये प्लस का रूट टू हो जाएगा, प्लस का रूट टू है ना, प्लस माइनस 2, 96, 96 प्लस 2,
98 आएगा yes, sir. एक एक मिनट वेट 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 बी स्क्वायर माइनस 4ac 24 चौक 96 मतलब रूट में 98 आ रही है yes, क्या बात कर दी दिस इज नॉट पॉसिबल नहीं क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो सकता ये तो गणित हाँ 14 7 98 एक मिनट रुको जरा 98 कहाँ से हो गया 14 7 98 हाँ वो तो ठीक है एक मिनट अरे यस करेक्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया हो तो है पेपर निकल गया क्या निकलने वाला है बहुत बढ़िया देखिए रूट 98 को 49 इंटू 2 लिख सकते हैं 49 का डबल होता है ये 7 बन के बाहर आ जाएगा तो रूट 98 को 7 रूट 2 लिख सकते हैं या नहीं तो वो तो गया ना एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या साइन लेंगे माइनस है चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से चलिए देखिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस है तो जब प्लस लेंगे सीधे लिख दूं क्या जोड़कर प्लस लेंगे जब तो 7 बार रूट 2 एक बार रूट 2 8 बार रूट 2 हो जाएगा क्या जब प्लस लोगे तो 7 बार रूट 2 एक बार रूट 2 टोटल 8 बार रूट 2 हो जाएगा 8 बार रूट 2 बाई 2 तो 2 से 4 बार तो आ जाएगा x का वैल्यू 4 रूट 2 ये आया था ना ऐसे अब एक बार माइनस ले लें चलिए जब हम माइनस लेंगे प्लस को हटा देते हैं जब हम माइनस लेंगे तो रूट टू माइनस 7 रूट 2 माइनस का 6 रूट 2 आएगा बाय 2 है ना तो माइनस का 6 रूट 2 बाय 2 2 से 3 बार जाएगा तो माइनस का 3 रूट 2 आ जाएगा आ गए ना दोनों वैल्यूज ठीक है तो इसके बाद तो कर लोगे ना सेम हो गया ठीक चलो जल्दी से कॉपी करो इसके बाद आना है टाइप 4 सवाल नंबर 13 14 15 16 17 इधर लिख देता हूं या तो फोटो ले लें आप इसकी क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बोल देना ये इसमें रूट 98 को ओपन कैसे किया ये देखो ना यहां पर 98 49 इंटू 2 होता है तो 49 7 बन के बाहर आ जाएगा 7 का स्क्वायर है ना 7 बन के बाहर आ जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा तो रूट 98 7 रूट 2 रूट 98 तक तो आपके आ गए होंगे ना
कॉपी कर लिया क्या इसको? अब सुनिए, 14 नंबर का सवाल नजर आ रहा है सभी को? कर लेंगे? ठीक है, 14 पे लिखिए होमवर्क, 16 और 17 पर भी लिख लीजिए होमवर्क, 14, 16, 17 तीनों होमवर्क, सीधे x का वैल्यू निकालना है, निकाल लेना आप, है ना? आपके व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 14, 16, 17 होमवर्क, उसके बाद 13 करते हैं और 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हो गया क्या ये? रफ कर दो इसको। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहा हूं मैं, सवाल नंबर 13। 13 नंबर की बात करें, x स्क्वायर माइनस 1200 इज इक्वल टू 244, x स्क्वायर माइनस 1200 इज इक्वल टू 244, ये 1200 उधर जाके ऐड होगा तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 1444, ये 38 का स्क्वायर होता है, या फिर स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा। यदि आपको नहीं पता तो आप इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं इसको, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से जा रहा है 2, 3 जा 6, 361, 361 19 का स्क्वायर होता है, 19 से 19 बार और 19 से 1 बार। तब आप देखिए 19 × 19 कैसे ब्रेक हुआ है, इस प्रकार खोला हमने नंबर को। अब आप ही देखिए 19 × 2 का वर्ग है कि नहीं, 19 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार, तो बताइए 38 का वर्ग हुआ कि नहीं हुआ। यदि कोई नंबर पता ना हो किसी का स्क्वायर है तो इस प्रकार से ब्रेक करके आप उसको देखें, क्लियर? चलिए, तो 38 का स्क्वायर है, यदि 38 का स्क्वायर है तो बाहर प्लस माइनस दोनों आएगा, मतलब प्लस 38। अब सवाल में कंफ्यूजन ये होता है कि सर कब निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों लेना होता है और कब निकालते हैं तो केवल प्लस में लेते हैं, तब ये चीज मैं आपको बता देता हूं। इसके आंसर में प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस 38 माइनस 38, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? बी, बॉम्बे। चलिए अब देखिए क्या है कहानी। अब सवाल उठता है सर कब ऐसा लेते हैं कब ऐसा नहीं लेते, तो एक सवाल का उत्तर दें, सुनिए मेरी बात। जिस चीज का आप उत्तर निकाल रहे हो, आपको पता है आप किसका उत्तर निकाल रहे हैं? इसका, ये समीकरण, ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं? द्विघाती समीकरण के हमेशा कितने रूट आएंगे? इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर प्लस माइनस दोनों लगेंगे, प्लस का 38 और माइनस का 38, या फिर आप चाहें तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये द्विघाती समीकरण है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1444, हो गया क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? अरे 0 × x तो 0 ही होता है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। करिए कंपेयर इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बताइए ए का वैल्यू क्या है? 1, बी का वैल्यू क्या है? 0, और सी का वैल्यू क्या है? माइनस का 1444। श्री धाराचार्य जी को लगा लीजिए, एक्स का वैल्यू प्लस 38 माइनस 38 निकल आएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x, नहीं था ना एक्स वाला पद, था नहीं ना एक्स की पावर 1 वाला पद, तो 0 × x 0x हो गया, माइनस 1444 बराबर क्या हो गया? 0, क्लियर? एबीसी का वैल्यू निकाल के। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिसका आप आंसर निकाल रहे हैं वो क्या है? द्विघाती समीकरण है, आई बात समझ में? तो द्विघाती समीकरण था इसलिए हमें पता चला कि दो आंसर आने वाले हैं, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लिए। यदि आपके सामने सवाल केवल इतना सा आता, यदि इतना सा आपके सामने आता ना, ये ध्यान देना, यदि आपके सामने ये प्रेजेंट होता केवल, तो इसका आंसर केवल एक ही आएगा। दिस इज नॉट अ द्विघाती समीकरण। क्या द्विघाती समीकरण दिखाई दे रही है आपको? नहीं है ना द्विघाती? नहीं, नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता,
सुनिए अब नहीं है ना पॉसिबल, जब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, आपके अनुसार इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज है, इधर ले लो तो स्क्वायर हो जाएगा, उधर ले लो तो रूट हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। इससे पैराबोला बनता है, परिवलय का समीकरण है। क्या बनता है इससे ग्राफ में? पैराबोला, परिवलय, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इससे सरल रेखा बनेगी। इससे क्या बनेगी? सरल रेखा। इट मींस ज्यादा गहराई में न देखे, कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है हमें, लेकिन फिर भी मैं ज्ञान दे रहा हूं कि कहां लेना है कहां नहीं लेना है, बस उतना सा सीख लो उतना काम का है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ये एक समीकरण है जो सरल रेखा का समीकरण है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे जब आप एक्स अक्ष वाई अक्ष, ऐसा तो सुना ही होगा, कहीं तो देखा होगा आपने, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो बताइए सरल रेखा एक्स अक्ष को एक ही जगह काटेगी? मूल किसे कहते हैं? मूल किसे कहते हैं? एक्स का मान उसे कहते हैं जहां वो रेखा या कर्व वक्र एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है। ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह काटेगा, कहां काटेगा? सरल रेखा तो एक्स अक्ष को एक ही जगह काटेगी ना, इसलिए कंफर्म है कि एक्स का वैल्यू केवल क्या निकालना है आपको? एक ही निकालना है, प्लस का 38। आई बात समझ में? एक ही जगह काटेगा तो एक्स का वैल्यू एक ही निकालना है, प्लस का 38, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्स एक्सिस को एक ही जगह काटेगा तो इसका वैल्यू केवल एक आएगा। लेकिन ये बनेगा, दिस इज परिवलय, एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये ऐसे बनेगा, तो बताइए एक्स को दो जगह काटेगा कि नहीं काटेगा? तो इसके एक्स के वैल्यू प्लस 38 भी आएगा और माइनस 38 भी आएगा, लेकिन इसका वैल्यू केवल कितना आएगा? एक ही आएगा। अब आपको पिक्चर क्या दिखाया गया? आपको सवाल में एक्स स्क्वायर दिखाया कि एक्स की पावर 1 दिखाया? एक्स स्क्वायर दिखाया, मतलब आपको परिवलय की बात हो रही है, आपसे द्विघात समीकरण की बात हो रही है, तो आपको आंसर कितना निकालने दो। आपके रास्ते में आने वाला इस सवाल के आधार ये है, इसको हल करने के रास्ते में आने वाला केवल एक कैलकुलेशन का हिस्सा मात्र है ये। आई बात समझ में? बाकी बेसिक सवाल आपका क्या है ये? अब आप सोचिए, ये बेसिक सवाल है आपका, एक्स की जगह प्लस 38 करेंगे तो भी LHS बराबर RHS आएगा, एक्स की जगह माइनस 38 रखोगे तो भी LHS बराबर RHS आएगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, प्लस 38 रख ले एक्स की जगह माइनस रख ले तो भी, क्योंकि स्क्वायर है ना, नेगेटिव भी रखोगे तो भी वो तो डिसॉल्व ही होना है ना स्क्वायर के अंदर, पॉजिटिव रखोगे तो भी डिसॉल्व होना है वो तो, है ना। तो जब भी स्क्वायर में एक्स दिखाया जाए तो हमेशा किसी भी रास्ते से निकालो, एक्स के वैल्यू कितना निकालोगे? दो। तो जब ध्यान रहेगा दो निकालना है तो अपने आप रूट के बाहर निकलेगा, तो प्लस माइनस दोनों लोगे, क्लियर। और जब पावर 1 दिखाया जाए तो केवल एक ही वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 15, जल्दी कॉपी करें इसको फटाफट से, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है? सी आएगा नहीं आएगा? सी बिल्कुल गलत है, ये ना ऑप्शन देख देख के दे, सारे ऑप्शन गलत है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन देख देख के घुमा रहे हो आप अपने उत्तर को, कभी इधर कभी उस ऑप्शन जैसा। 14641 किसका वर्ग है? 121 का, तो x का मान आएगा 121, दो x के वैल्यू आएंगे, प्लस का 121 माइनस का 121 दो आएंगे, लेकिन उसने क्या लिमिटेशन दी है सवाल में? एक जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब केवल उसके अनुसार आप क्या लेंगे? प्लस का 121, तो एक ही आंसर आएगा, x बराबर प्लस का 121। बता रहा हूं, इसको मिटा दूं क्या? ये कर लिया क्या? कॉपी रफ कर दो इसको, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14641, और क्या बोला है? एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा क्या?
तो 14641 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस का और माइनस का 121। आपको नहीं पता क्या होता है, वैसे बहुत कॉमन है, अगली बार से याद रखना। 14641 क्या होता है ना, 11 की घात 4 होता है। 14641 को डिवाइड देना चालू करेंगे 11 से जाएगा 1331 आएगा, फिर 11 से जाएगा 121 आएगा, फिर 11 से जाएगा 11 आएगा, देन फाइनल 11 से 1। तो 11 × 11 × 11 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, क्लियर है ना। तो बताइए 121 के दो सेट है कि नहीं है, 121 × 121 यानी कि 121 × 121 यानी कि ये 121 का स्क्वायर है क्या, क्लियर। तो प्लस माइनस 121 आएगा, तो x का वैल्यू एक प्लस 121 आएगा, एक माइनस 121 आएगा, लेकिन उसने क्या बोला है कि x वही लेना है जो जीरो से बड़ा। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा प्लस का 121 केवल एक है ना। हाँ, हो गया क्या, कॉपी कर लिया ये, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको, ठीक। अब देखिए यार, जो शीट आपको मिली है इसमें पेज नंबर 10 निकालिए, पेज नंबर 10 ओपन करिए। देखा 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा है, ठीक। चलो अभी देखो इधर मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ध्यान देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अच्छा इनके मूल को, रूट्स को, यानी कि मूल को हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा, अरे गामा नहीं है इसमें, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्लियर। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है ना, ये दो चीज, ठीक है। मूलों का योग यानी कि मूल अल्फा बीटा, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग, रूट्स का सम और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। रूट्स के सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, क्लियर। ये फॉर्मूला कैसे बनता है बता दूंगा, लेकिन जो दो तीन सवाल दे रहा हूं उसका फटाफट आप बताएं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालकर बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल को इक्वेशन है आपके सामने 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, इससे। a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है 2, रख दे वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या है 5,
और ए का वैल्यू क्या है? तीन। तो मूलों का योग इस समीकरण के, इस इक्वेशन के मूलों का योग माइनस पांच बाई तीन आएगा। और सी अपॉन है, सी क्या है? दो। और ए क्या है? तीन। तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा? दो बटा तीन। निकाल लो भाई किसी भी इक्वेशन का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन आई आपके सामने, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। बताइए ए की जगह किसने ली है? फोर। बी की जगह किसने ली है? माइनस तीन ने। सी की जगह किसने ली है? माइनस टू ने। बी की जगह माइनस तीन है, सी की जगह माइनस टू है। चलिए रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम निकालें तो माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस तीन। रख दो बी की जगह माइनस तीन और ए का वैल्यू क्या है? फोर। क्लियर? तो बताइए थ्री बाई फोर आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मूलों का योग थ्री बाई फोर और मूलों का गुणनफल उधर से आ जाएगा सी अपॉन ए। तो चलिए सी क्या है? माइनस टू। और ए क्या है? चार प्लस चार। तो माइनस टू बाई फोर माइनस वन बाई टू आएगा क्या? निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन का। तो ये कॉपी करना है या ऑलरेडी लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग, धीमे धीमे मतलब। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। निकाल लोगे? समझ में आया या फिर लिखना है? निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मिटा दो इसको। अब सुनिए, ये तो सरल था, अब जो हमें सीखना है उस पर ध्यान देना। फॉर्मूला लगाना है सीधे आपको, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मिल जाएगा। अब ध्यान देना, मूल दो प्रकार के होते हैं। There are two types of roots. एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल यानी कि वास्तविक मूल, वास्तविक, और ये काल्पनिक है ना। रियल तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर या फिर इक्वल टू जीरो। और इमेजिनरी तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन सी। अब सुनिए, यहां से भी दो अलग अलग होंगे, दो साइन है। एक तरफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो और दूसरी तरफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। एक तरफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो और एक तरफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो है ना। एक तरफ ग्रेटर और एक तरफ क्या है? इक्वल। क्लियर? इधर क्या है? लेस। अब सुनना मेरी बात, वास्तविक, वास्तविक तो दोनों केस में है ना, दोनों केस में ओरिजिनल मूल है, रियल मूल है, और उधर क्या है? इमेजिनरी, काल्पनिक है। अब ध्यान रखना, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होंगे? असमान, अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल यानी कि रूट्स दोनों अलग अलग होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो जाए तो रूट्स क्या होंगे? समान, इक्वल। वास्तविक तो होंगे ऑब्वियसली, वास्तविक कौन सा? असमान। और ये वास्तविक वाला कौन सा? समान। तो वास्तविक के साथ अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। असमान मतलब दोनों रूट अलग अलग, अलग अलग है ना। और यहां क्या होंगे? रूट इक्वल यानी कि समान। तो तीन कहानियां हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा सीधे। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा आता है, जीरो से छोटे का मतलब माइनस। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रिजल्ट कैसा है? नेगेटिव है, माइनस। कैसे आए? माइनस में। यदि माइनस में आया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू, तो सीधे बिना सोचे समझे कैसे मूल है? काल्पनिक। यदि बराबर शून्य आए, यदि बराबर क्या है? जीरो। यदि बराबर जीरो आए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू, सीधे सीधे बोलेंगे दोनों मूल क्या है? समान है। समान के साथ साथ वास्तविक तो है ना, वास्तविक है और समान। और यदि ग्रेटर देन जीरो आए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव,
किसमें? प्लस में। किसमें आए रूट आपके? प्लस में, रूट नहीं। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू प्लस में आए तो वास्तविक के साथ असमान, यदि माइनस में आए तो काल्पनिक है, और बराबर आए तो वास्तविक के साथ समान इक्वल। तीनों के समझ में आए? पॉजिटिव प्लस का साइन, माइनस का साइन और बराबर जीरो। फॉर एग्जाम्पल 3x² - 2x + 5 = 0। चलो क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस सी का मान निकालना है। अरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम किससे उधार लेके आए पता है? धाराचार्य जी से। धाराचार्य जी के पास रूट में था ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वही वही उसी फॉर्मूले से तो रूल बने। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव हुआ तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा वहां पे। फिर से बोलता हूँ, धाराचार्य जी को इमेजिन कर पा रहे हैं आपको फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता कि नहीं होता? तो यदि मान लो वो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू माइनस में हुआ तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा वहां पे। रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं होता, काल्पनिक होता है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जब भी नेगेटिव होगा इट मीन्स रूट क्या बन जाएंगे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू यदि वहां रूट में नेगेटिव आया तो एक्स का मान काल्पनिक हुआ कि नहीं हुआ? पॉसिबल नहीं। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि जीरो हो गया तो वो प्लस माइनस का तो रोल ही खत्म हो जाएगा ना आगे। यदि बी स्क्वायर माइनस, इमेजिन करो श्री धाराचार्य जी को प्लस माइनस के बाद रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है या नहीं होता है? यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका जीरो आया तो प्लस माइनस के बाद जीरो होगा, तो प्लस माइनस जीरो तो प्लस माइनस का तो रोल ही खत्म हो गया ना। प्लस प्लस जीरो माइनस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? प्लस माइनस का यूज खत्म, यानी कि रूट का अलग अलग होना खत्म। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि जीरो आ जाए, देखो मेरी कोशिश है आपको समझाना है ना। दूसरा नहीं भी समझ में आएगा तो कोई काम का नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से काम हो जाएगा है ना। लेकिन थोड़ा सीख ले तो क्या बुराई उसमें? मान लो टीचर बने बाद में बच्चा आपसे पूछ ले कि सर ये रूल कहाँ से बने, तो आप क्या बताओगे? फिर मेरे पास भेज दो, हाँ ये अच्छा है, मैं बताता ही नहीं हूँ, नहीं तो आपके बच्चे सारे मेरे पास आ जाएंगे। नहीं ठीक है चलो। नहीं बताओ ना, नहीं तो आप भेजोगे नहीं ना मेरे पास, है ना। चलो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालना है, यदि पॉजिटिव आया, यदि नेगेटिव आया तो सीधे काल्पनिक, और यदि पॉजिटिव आया तो असमान, वास्तविक असमान, और यदि बराबर जीरो आया तो समान है। दोनों मूल क्या है? समान है। एक बल, अब सुनिए किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। चलो भैया ए का वैल्यू क्या है? प्लस 3। बी का वैल्यू क्या है? टाइम क्या हो रहा है? 40। सी का वैल्यू क्या है? 5। रख दे। बी का वैल्यू क्या रखेंगे? -2 - -4। ए का वैल्यू क्या रखेंगे? +3। और सी का वैल्यू क्या रखेंगे? 5। ये 4 होगा, -60। 4 - 60 माइनस का 56 आए, नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैसे रूट है इसके? काल्पनिक। बहुत शानदार। तो 5 मिनट जो बचे हैं उसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाए, और 4-5 इक्वेशन दे रहा हूं सभी का बना बना के देख ले, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वहां भी लिखा हुआ है आपके उसमें, है ना, या फिर कॉपी कर ले इसको। मैं 4-5 इक्वेशन दे रहा हूं, उनका चेक करके बताना कैसे कैसे रूट है।
पहली के क्या है? पहले के काल्पनिक है, यस काल्पनिक है। दूसरे के? तीसरे के? थर्ड का? नहीं काल्पनिक है। तीनों के इमेजिनरी आएंगे यार, तीनों के इमेजिनरी नहीं आने चाहिए ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए ना तीनों के इमेजिनरी आएंगे। मैथमेटिकल मिस्टेक मत करना है ना। इसके निकालिए जरा, ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये सारे शब्द लिखना इसके साथ साथ। आज से 4-5 महीने बाद नोट्स को देखोगे ना तो शब्द ही काम आएंगे। ये b² - 4ac इसको समझ में नहीं आएगा। ये जो लिखा है मैंने पॉजिटिव प्लस में, नेगेटिव माइनस में, वास्तविक समान इक्वल, क्या नहीं ऐसा ही सवाल आता है ना। इक्वेशन दे देंगे आपको और ऑप्शन में देगा, पहले ऑप्शन में देगा काल्पनिक है, दूसरे ऑप्शन में देगा दोनों मूल बराबर है, तीसरे ऑप्शन में देगा दोनों मूल अलग अलग है, चौथे में नन ऑफ दिस, ऐसा देगा। जैसे है ना इक्वेशन में बताता हूँ आपको, पेज नंबर निकालिए आप, लास्ट पेज निकालिए शीट का, 20 नंबर का पेज, सवाल नंबर 18 आया हो आपके व्यापम में, 20 नंबर का पेज सवाल नंबर 18 दिख रहा है सवाल। पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 18 कर दीजिए, क्या आएगा? क्या है? हाँ 27 का स्क्वायर है ना, पता कैसे चलेगा काल्पनिक है, वहां तो एबीसी नजर ही नहीं आ रहा है। x² + 0x + 729 ये कॉपी कर लिया क्या सभी ने? पेज नंबर 20 पर सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या इक्वेशन दिया है? x² + 729 इसमें तो कोई रूल लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये 729 को उधर ले जाइए जरा, नेगेटिव। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी स्क्वायर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। किसी का भी स्क्वायर करें आप, 2 का स्क्वायर करें 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर करें 3 × 3 = -3 तो -3 × -3 + 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो परफेक्ट स्क्वायर दुनिया में किसी भी नंबर का कर लो, रिजल्ट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का क्या आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। एक्स का कोई ऐसा मान इस संसार में, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो रखने पर, यहां पे स्क्वायर करने पर -729 दे दे। तो एक्स का वैल्यू यहां पर क्या है? इमेजिनरी। या फिर बाय रूल आप जाना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक बना ले, x² + 0x + 729 = 0, ax² + bx + c = 0, a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? 0, और c का वैल्यू क्या है? 729। लगाइए b² - 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 ही हो गया, तो सीधी सी बात है नेगेटिव में आएगा रिजल्ट, b तो 0 हो गया ना, तो 0 का स्क्वायर - 4 × a कितना है? 1, और c कितना है? 729। तो आप ही बताइए इसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 हो गया ना पूरा, तो नेगेटिव में ही तो आएगा, यानी कि इमेजिनरी है, काल्पनिक है।
अब आप पेज नंबर 10 पे थे ना, अभी आओ 10 पर आओ वापस। 10 में से कौन कौन से सवाल करके लाना ये मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 10 में जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको करना है 1 2 3 5 1 2 3 5 बस 1 2 3 और नहीं बने टेंशन मत लेना है ना, थोड़ा सा अलग दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ये अपनी ओर से दिए थे मेरे सवाल, ठीक है।